तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम वाले जितने भी बीपीएड एमपीएड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएस की, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में दो फुल फॉर्म रहती हैं। अब वो फुल फॉर्म बड़ी फिक्स रहती हैं, अब खिलाड़ियों को ये नहीं पता चल पाता है कि कहाँ से याद करें। तो मैंने एक वीडियो बनाया हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, वो क्वेश्चन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सर हिंदी में भी कुछ चीज़ें डाल दिया करो। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म पर, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंट सिंड्रोम। मैं आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट रहेगा यही सारी फुल फॉर्म रहेंगी, वो टोटली इंग्लिश में रहेंगी। तो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो नोट कर लेंगे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 दिसंबर को। एड्स कैसे फैलता है? वायरस से। किस वायरस से? HIV। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करते चलाना एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है। ये आपके सामने AIIMS, इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मींस पहले क्या होता था? CPMT, CPMT और APMT, ये हम बात करें AIIMS। तो CPMT का मतलब होता है कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम होता था। अब जी सारे एग्जाम बंद कर दिए गए, अब आपको पता है AIEEE का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गई हैं। तो इसकी फुल फॉर्म पूछता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बाहर के बारे में आपने नाम सुना हो, इनके बारे में आप पढ़ना, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना कि भारत को एक ऐसा, हम बात करें कि एक ऐसी चीज़ दी एक ऐसे साइंटिस्ट ने, तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। मैं सभी खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा कि भाभा क्या है, भार क्या है। तो भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है जो कि हमारे इंडिया में, इसके बहुत बड़े जो है वर्क हैं, तो इसके बारे में आप समझेंगे तो आपको हिस्ट्री भी जानने को भी मिलेगी कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इंडिया के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। वेरी इंपॉर्टेंट PECG। और आप सब लोग जानते हैं, सब लोग ऐसी बीमारियों से भागना चाहते हैं जो क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली हैं, उनका कोई अंत नहीं है, बर्बाद कर देंगी। ऐसी बीमारी वो है BCG का जो टीका लगता है। टीके की जब हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म जो होती है बैसिलस प्लोमिट्स ग्यूरोबाइन। ये जो है BCG का जो टीका लगता है वो TB वाले जो पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको ये टीका लगता है। और TB की ये बीमारी की बात करूँ तो ये किसको प्रभावित करती है? तो लंग्स को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट डाउन, TB की बीमारी होती है लंग्स को प्रभावित करती है। लंग्स नहीं होगा तो एल्वोलाई होगा, एल्वोलाई वो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो डेप्थ में चला जाता है। तो मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलूँ नोट करते चले जाना। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ ना आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देख सकते हैं। नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना आप उनको ऐसे ही कर दोगे। अब आप सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का लेवल बदल गया, तो हमें उससे रिलेटेड चीज़ें याद करनी होंगी, उसकी अगल बगल की चीज़ें याद करनी होंगी। पहले क्या करते थे, हम फैक्ट याद करते थे, इसीलिए मैं आपको अगल बगल की सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका। वेरी इंपॉर्टेंट CNC, CNG की जब हम बात करते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि आजकल जो है हर कोई चाहता है कि पैसा खर्च कम हो और ज़्यादा जो है हम यात्रा करें। तो CNG की जो गैस का इस्तेमाल करने लगी अपनी गाड़ियों में, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब एक और क्वेश्चन बनता है LPG क्या होता है? LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये क्या होता है? इसको डोमेस्टिक गैस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक गैस। अब ये आपके घरों में होती है, रसोई गैस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, मैं छोड़ूंगा नहीं। DNA, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब DNA की जब हम बात करते हैं तो एक DNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है, अब डेंजर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम। तो DNA, इसकी फुल फॉर्म पूछता है, अब ये किसका पार्ट है ये भी पूछता है। तो DNA की जितनी भी चीज़ें आप अगल बगल की सब पढ़ डालो। वैसे मैं आपको एनाटॉमी में बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा जैसे ही आपका समय नज़दीक आता जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो फुल फॉर्म पर मैं डिस्कस करूँ तो बेटर रहेगा, नहीं लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि जब मैं एक क्वेश्चन को पकड़ता हूँ तो उसमें डेप्थ में जाता रहता हूँ। ECG की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो है ECG से हम उसकी मेजर करते हैं। अब जब मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा। हार्ट की जब मैं बात करता हूँ, हार्ट में एक सिस्टम होता है, एक पार्ट होता है,
उसको हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर ये आपकी हार्ट की धड़कनों को है जो है मेजर करने में अपनी भूमिका निभाता है, लबडब में अपनी भूमिका निभाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चार चैम्बर होते हैं, हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर फिक्स रहता है। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन में बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके सामने वो है HIV और वो है एलिजा। ये दोनों एक ही बीमारी से रिलेटेड है। तो एलिजा टेस्ट के बारे में बता दूँ, एलिजा जो टेस्ट होता है वो एड्स की बीमारी के लिए होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस जो होता है। तो अब एलिजा टेस्ट तब किया जाता है जब किसी को लग रहा हो कि HIV सिम्टम्स आ चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जब इसके सिम्टम आ जाएंगे तो एलिजा टेस्ट की हम जांच करते हैं। तो एलिजा जो एड्स संबंधित है, एड्स दिवस कब बनाया था, 1 दिसंबर को बनाया था। इंडिया में सबसे पहला केस कहाँ मिला, दक्षिण भारत में मिला था, चेन्नई में। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है आपको बताया कि ICU, सब लोग बीमार हो जाते हैं तो डेंजर जोन बचता है ICU, और ICU में वेंटिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल, जो सांस लेने का जो आपके पास उपकरण होता है, आप लेटे रहते हैं। तो ICU में जब जाते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट IIT, सब लोग चाहते हैं अपने बच्चों को IIT कराना। जैसे कि आप सब लोगों ने नाम सुना हो फिजिक्स वाले का, तो IIT में बहुत ही अच्छा नाम है, बच्चे जो सिलेक्शन देते हैं। तो IIT की जब हम बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये बेसिक फुल फॉर्म है बट भूल जाते हैं एग्जाम में। हिंदी वाले छात्रों के लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, जो CBSE बोर्ड के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, तो उनकी जो बेसिक चीज़ है ना वो बहुत मजबूत होती है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं खेल के क्षेत्र में कि वो खेल पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो वो सब बराबर हो जाते हैं। LCD की मैं बात करूँ तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपने बोला मेरे घर पे LCD लगी हुई है सर, तो ये सब मोनिटर के टाइप्स हैं LCD की जब हम बात करते हैं। LPG जैसे कि मैंने आपको बताया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LED लाइट इमिटिंग डायोड, जो भी एक मतलब हम बोल सकते हैं मोनिटर का पार्ट है, बोलते हैं अब तो LED आ चुकी है, मेरे घर पे LED की लाइट लगी हुई है। ये बहुत ही सिलेक्टेड फुल फॉर्म है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MBBS। MBBS का अगर सपना है करने का आपका, डॉक्टर बनने का, तो उसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। NASA वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है एक ऐसी संस्था है, और ये अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जो बहुत बड़ा रोल निभाती है। हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, हम बात करें कि जो मिसाइल सिस्टम है या सैटेलाइट सिस्टम है, उनमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे कि हमारे यहाँ इसरो का नाम सुना, अभी इसमें क्वेश्चन आने वाला है, PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा साउथ बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ, भाई लिख लेना सारे लोग। तो नॉर्थ में जो ऊपर चक्कर लगाते हैं, जो ऊपर चक्कर लगाते हैं, वो जो सैटेलाइट जो माने जाते छोड़े जाते हैं, उनको PSLV बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो पोल पर रहते हैं, ध्रुवों पर रहते हैं, उनको बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं ध्रुव, लिख लेना आप एक एक क्वेश्चन। और इसी में मैं आपको बताऊंगा GSLV का नाम सुना होगा, GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो ऐसे घूमते हैं इस तरीके से। मैं आपको है ना ज्योग्राफी में एक चैप्टर कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं ये कवर करूँगा, परेशान नहीं होना किसी भी खिलाड़ी को। PVC के बारे में बात करूँ, पॉलीवेलाइन क्लोराइड होता है, आपने बोला PVC का सोल है, PVC का ये बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है PVC की। ये सब फुल फॉर्म आई हुई है, आप वन डे एग्जाम प्रीवियस ईयर खोल के देख सकते हैं, आपको इनमें से एक ना एक फुल फॉर्म मिल जाएगी। अब कहाँ से याद करें आप, तो मैंने सोचा कि आपको हिंदी में निकाल के दे दूँ, इंग्लिश में भी मैं जल्दी आपको दूँगा। रडार, जब जहाज उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो आप सब लोगों को पता है जहाज जो उड़ता है पूरा सिस्टम जो रडार पर डिपेंड रहता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होती है, जो जहाज जो आता है उसकी दिशा डायरेक्शन को निर्धारित करता है कि इतने जोन में अब उतरना है, ऐसे उतरना है, कोई दूसरी कंट्री का आएगा तो उल्टा घूमने लग जाएगा, ये इसके अंदर के फीचर है रडार, जो कि एयरफोर्स के अंदर आता है। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग पैड बोलते हैं, SLV बोलते हैं। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट सोनार, अब सोनार का मतलब है कि सोने चांदी मिलते हैं, वो नहीं, इसका मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। जो समुद्र के अंदर उसकी डेप्थ को, गहराई को जब मेजर करते हैं ना, तो वो सोनार से करते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे,
समुद्र की जो गहराई होती डेप्थ को जब मेजर करते हैं तो सोनार से करते हैं। बीजेपी सब लोग जानते हैं तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो ये इजी क्वेश्चन है आ गया इसमें तो सब लोगों को पता है। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएड की एमपीएड की और भंडे एग्जाम की तो एक फुलफॉर्म आती है एनडीए। ये एनडीए बीजेपी पार्टी से संबंधित है, ये बीजेपी पार्टी का संगठन है, अलायंस है। और एक है यूपीए, ये कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी और कांग्रेस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएड एमपीएड की तो आपके लिए एक मजबूत क्वेश्चन है कि इनकी फुल फॉर्म बताएंगे आप। एनडीए की फुल फॉर्म क्या है, जो कि बीजेपी का संगठन है, और यूपीए क्या है, कांग्रेस का संगठन है, एक अलायंस है। अगर आप जवाब देते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी मजबूती से तैयारी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सीपीआई क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमएलए बोलते हैं, मेरे पिताजी एमएलए हैं। यूपी के अंदर 403 जो है सीटें हैं एमएलए की। यूपी जो है इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है एमएलए में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब हम बात करते हैं ये काउंसिल नहीं होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। तो एक होता है एमएलसी, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जब हम बात करते हैं तो एमएलए होता है, काउंसिल की बात करते हैं तो एमएलसी होता है, तो इसमें मिस्टेक है, आप नोट कर लेंगे। एनसीपी की मैं बात करूं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। जीएसआई की मैं बात करूं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एडीबी की बात करूं, इंपॉर्टेंट ये बहुत बार पूछा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब हम बात करते हैं। आईडीबीआई की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आईएलओ इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर फंड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो गया क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से इसको क्वेश्चन बनता है। इसरो, इस क्वेश्चन